भाई चुप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक नरेशन स्टार्ट करेंगे। इसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, जो आपके नरेशन है। नरेशन क्या होता है? किसी की भी बात को कहना, किसी की बात का वर्णन करना, नैरेट, कोई बात कहना। अब इसके दो टाइप्स हमारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जब आपको कोई बात कहता है तो उसकी बात को उसी के शब्दों में कहना आपकी क्या कहलाती है? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होता है? कि उसकी कही गई बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। डायरेक्ट स्पीच होता है जैसे आप कहते हैं राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। राम ने मोहन से कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर राम ने जो बात कही है, हमने उस बात को उसी के शब्दों में कहा है, तो ये हमारी हो गई डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हम राम की बात को अपने शब्दों में कहते हैं कि राम ने मोहन से कहा कि वह दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर राम ने खुद के लिए मैं का यूज किया था। हम क्या कह रहे हैं? कि वह दिल्ली जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आपका हो जाएगा राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ देखिए, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में क्या हो गया कि जिसकी जो बात कही गई है उसी को उसी शब्दों में कहना, और अगर उसको हम चेंज करके दूसरे के अपने शब्दों में कहते हैं, अन्य शब्दों में कहते हैं, तो वहाँ हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर जो आपका ये डायरेक्ट है हमारा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ आपके देखोगे जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसमें टू पार्ट्स है। तो सबसे पहले जो आपकी बात है, किसी के भी द्वारा कही गई बात को हम डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, और वो इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाएगी। जो आपके ये इन्वर्टेड कोमा है, ये उसके द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे, और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा होता है जो इन्वर्टेड कोमा वाला हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो आगे का हिस्सा होता है ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये वर्ब का हिस्सा होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच का होता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा में होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमेशा आपका सिंगल कोमा आएगा। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक कोमे से सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। जो राम है इसमें, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और जो मोहन है ये रिपोर्टिंग वर्ब का आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होंगे, वो हम आपको बताएंगे आगे। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि कैसे हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने वॉइस चेंज किए थे, ऐसे ही हमारे नरेशन के भी कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने हैं, ताकि हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर पहले मैं आपको जो प्रोनाउन है उसके लिए बताती हूँ कि जो हमारे फर्स्ट सेकंड के प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये कैसे चेंज होंगे। ये रूल आप याद रख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस ओ एन। एस से क्या है? सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, और एन से नो चेंज। कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहाँ होंगे? आपके रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई वी, ये आपके मी अवर अस, ये सब आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं जो आपके चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, अगर यहाँ पर यू है तो वो आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। और अगर जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपको बताया ही सी इट दिस दैट, वो आपके किसी का भी नाम है वो चेंज नहीं होगा, एन से नो चेंज। तो ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन अगर ही है तो ही का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये तो आपके प्रोनाउन चेंज करने के रूल थे। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट
उस टेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनेट में। मीन्स अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। अगर आपको इजेमार दिए हुए हैं रिपोर्टेड स्पीच में, अगर यहां पर आपको इजेमार दिए हुए हैं तो ये हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। ओके अगर आपको यहां पर हैज हैव दिया है, हैज हैव को हम किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। हैज बीन को किस में बदलेंगे, अगर हैज हैव के साथ आपका बीन दिया हुआ है तो इसको हम बदल देंगे हैड बीन में। अगर आपको यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, अगर हमें यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर यहां पे आपको हैड दिया हुआ है तो उसको हम बदल देंगे हैड बीन में। मीन्स पास्ट इंडेफिनेट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होगा तो ही हम अंदर के ये रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर आपका पास्ट टेंस नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यहाँ पर अगर से या विल से होगा तो आप अंदर का केवल प्रोनाउन चेंज करोगे, टेंस चेंज नहीं होगा। अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो आपका इनके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप ये जो बातें हैं इनको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को समझिए और इन टाइप्स के जो कुछ सेंटेंस है नरेशन के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताएंगे।